हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरीज। आज हम बनाएंगे मूंग दाल और गोंद के लड्डू। ये लड्डू सर्दियों में खास बनाए जाते हैं। अगर आप इन्हें गर्मियों में बनाना चाहें तो इसमें गोंद का इस्तेमाल ना करें, तो हम इन्हें गर्मियों में भी बनाकर खा सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही ताकतवर होते हैं, इन्हें बच्चे बड़े कोई भी आराम से खा सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक लड्डू होते हैं, तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम धुली हुई मूंग की दाल ले ली है। सबसे पहले हम दाल को एक कपड़े पर रखकर पोंछ लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो निकल जाएगा। अच्छे से पोंछ लेने के बाद सबसे पहले हम दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई या पेन, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसे गैस पर चढ़ा दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें हमें कोई घी या तेल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। कंटिन्यू हिलाते हुए हमें इसे रोस्ट करते रहना है। 3 से 4 मिनट में दाल का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगेगा, आप देख सकते हैं। देखिए, दाल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब दाल अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद हम मिक्सर के जार में डालकर इसे दरदरा पाउडर बना लेना है। फाइन पाउडर इसका हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, वरना हमारे लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमें इसे दरदरा ही पीसना है। दाल को ठंडा कर कर ही हमें पीसना है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है, कोई फाइन पाउडर नहीं बनाया है। सेम पेन हम गैस पर रखेंगे और देखिए, मैंने 400 ग्राम घी बिल्कुल नाप कर लिया है। इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत हमें इसमें नहीं लगेगी। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और एक एक सामानों को हम फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा मैंने घी ऐड कर दिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब मैंने आधा कप के करीब ये छोटा वाला गोंद लिया है, इसे हमें फ्राई करना है। लेकिन गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही घी में डालना है। देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा गोंद लेती जाऊंगी और इसमें डालकर हम इसे तलते जाएंगे। क्योंकि अगर एक साथ हमने सारा गोंद डाल दिया तो वो घी में अच्छे से तल नहीं पाएगा, क्योंकि घी की क्वांटिटी हमने कम रखी है। कंटिन्यू हिलाते हुए हमें इस तरीके से सारे गोंद को तल लेना है। देखिए, गोंद अच्छे से तल गया है। अब हमें इसे घी से बाहर निकाल लेना है, नहीं तो ये लाल हो जाएगा। सारा गोंद में घी से बाहर निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे गोंद को तल कर रख लूँगी। गोंद फ्राई करते समय घी खत्म हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी और डाल लिया है। उसमें मैंने आधा कप बादाम ली है, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को लड्डू में फ्राई करके डालने से उनकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ती है, साथ ही टेस्ट भी दोगुना हो जाता है। देखिए, मैंने सारा गोंद बाउल में निकाल लिया था। अब हम बादाम को भी 1 से 2 मिनट तक घी में फ्राई करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। लीजिए, 1 से 1.5 मिनट में बादाम भी चटकने लगी है। अब हम उनको घी से बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए घी में काजू को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। बादाम को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और काजू थोड़ा जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। देखिए, 1 मिनट में काजू भी हल्के से पिंक होने लगे हैं। इन्हें भी हम निकाल कर रख लेते हैं। आधा कप मैंने काजू लिए थे, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद बचे हुए घी में हम 1/4 कप पिस्ते मैंने लिए हैं। छोटे वाले पिस्ते हैं, इनका कलर बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने छोटे पिस्ते का यूज़ किया है। इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पिस्ते बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए हमें फटाफट डालते ही इन्हें निकाल लेना है। सारे पिस्ते घी से बाहर निकालने के बाद इस बचे हुए घी में हम नारियल को रोस्ट कर लेंगे। ये लगभग 1.25 कप के करीब नारियल है, सूखा नारियल जो होता है उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। मैंने इसे बारीक वाली कद्दूकस से कद्दूकस किया था, इसलिए थोड़ा बारीक दिख रहा है। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जो घी बचा था सिर्फ उसी में। देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा है, इसे भी हम निकाल कर रख लेते हैं। नारियल को हम सीधा गोंद में ही निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट को हमने अलग इसलिए निकाला था क्योंकि उनको भी हमें छोटे छोटे टुकड़े करना है। नारियल को हम सीधा गोंद में ही निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे हम एक साइड रख देंगे और सेम पेन में हम जो बचा हुआ घी था उस घी को ऐड कर देंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो जो आटा हमने पीस कर रखा था, उस आटे को हमें घी में डाल देना है।
अब आटे को मिक्स करते हुए हमें सेकते रहना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, क्योंकि जितने लो फ्लेम पर हम आटे को सेकेंगे आटा उतना ही अच्छा सिकेगा और उसका उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे हमें मिक्स करते हुए इसे सेकते जाना है। देखिए सारा आटा अब ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हमें सेकते रहना है। इसमें हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे सेकने में कम से कम हमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर सेक रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, जब लो फ्लेम पर हम आटे को सेकते हैं तो उसको सिकने में ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। देखिए धीरे धीरे आटा घी छोड़ता जा रहा है और कलर भी चेंज होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हमें 2 से 3 मिनट और इसको अच्छे से सेकना है। जैसे जैसे आटा सिकता जा रहा है, फूलता जा रहा है और घी रिलीज करता जा रहा है, आप देख सकते हैं जब हम स्टार्टिंग में सेकने लगे थे तब घी कितना कम लग रहा था, और अभी देखिए कितना इजीली हम इसको सेक पा रहे हैं। मूंग के दाल के लड्डू पौष्टिक होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होते हैं। हर उम्र के लोग इसे खाना पसंद करते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। आटा सिककर तैयार है, उसे हम एक साइड रख देते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने तल कर रखे थे उन्हें हम एक एक कर खरल में डालकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सबसे पहले हम काजू को डाल लेते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे हम इसके टुकड़े कर लेंगे। देखिए काजू के टुकड़े हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसके बाद बादाम डाल देंगे, बादाम हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। देखिए बादाम के मैंने सारे टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद पिस्ते को भी कर लेते हैं। मैंने सबको डालकर खरल में टुकड़े किए हैं। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसको दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन मुझे लड्डुओं में टुकड़ों का क्रंच ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने टुकड़े किए हैं। देखिए तीनों तैयार हैं। अब हमें सब चीज़ों को मिक्स करना है। तब तक मूंग की दाल का आटा जो हमने सेक कर रखा था हल्का ठंडा हो गया है, इसे पूरा ठंडा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस बाउल में हमने गोंद और नारियल को रखा था उसी बाउल में हम मूंग के आटे को डाल देंगे। लीजिए सारा आटा हमने इसमें निकाल लिया है। इसके बाद जो हमने टुकड़े किए थे काजू बादाम और पिस्ता जिनकी हमने कतरन की थी, उन सबको भी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 500 ग्राम शुगर बूरा लिया है, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बूरा या तगार डालने से लड्डू का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। सभी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। आप इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा फटाफट से हमें इसके लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि अगर मिश्रण ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बांधने में दिक्कत होगी। लीजिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके एक एक कर लड्डू बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मिश्रण हम हाथ में लेंगे और दोनों हाथों के बीच में उस मिश्रण को दबाते हुए देखिए इस तरीके से हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। देखिए इतने अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं लड्डू कितने अच्छे बने हैं। 500 ग्राम दाल में लगभग इस साइज़ के 25 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना दानेदार लड्डू बना है। यकीन मानिए ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर में होता है, इसलिए फ़ायदेमंद बहुत होते हैं। और अगर आप एक लड्डू अगर रोज़ाना खाएंगे तो आपको पूरे दिन भर थकान का एहसास नहीं होगा। इस विंटर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। आइए अब हम लड्डू सर्व कर लेते हैं और लास्ट में हम लड्डुओं पर थोड़ी सी पिस्ता की कतरन लगा देते हैं, जिससे लड्डू देखने में और भी सुंदर लगेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।